पानी लेके इसको ऊपर रख लेंगे और इसके अंदर बादाम डाल लेंगे, क्योंकि बादाम जब गर्म होंगे तो इनका छिलका आसानी से उतर जाएगा, इसलिए इसको अंदर डालेंगे, बाद में निकाल लेंगे बादामों को इसके अंदर से। और ये इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट वगैरह जो आएंगे ये सारे पड़े हुए हैं इसके अंदर, पिस्ता है और ये सारे जितने भी हैं मुरब्बा सारे जो डलते हैं इसके अंदर वो हैं, उसके बाद काजू है, किशमिश है और उसके बाद इलायची है, ये सारे इसके अंदर डलेंगे। एक टीस्पून इसके अंदर नमक डाला जाएगा, डालेंगे हम नमक। और ये है गुलाब जामुन जो इसके अंदर डलेंगे इसकी सजावट के लिए, ये मैं रखती हूँ ला के। ये बादाम हमने इसके अंदर डाले हुए हैं, जैसे ये थोड़े नरम होंगे तो हम इसको निकाल लेंगे कि उनके इनका छिलका जो अच्छी तरह उतर जाएगा, क्योंकि गर्म होंगे तो इनका छिलका आसानी से उतर जाएगा और ना ठंडे जो है वो छिलका नहीं उतरता इनके ऊपर से, इसलिए इनको गर्म पानी में डाला हुआ है हमने। और जब ये पानी को एक बॉयल आ जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें राइस डालेंगे, और ये राइस हमने एक गिलास थे जो हमने भिगो के रखे हुए हैं, क्योंकि इतने थोड़े से नरम हो जाएंगे तो इस वजह से रखे हुए इधर। ये बादाम जो है वो उनका छिलका उतर रहा है आसानी से, आप इनको निकाल लेंगे क्योंकि इसके बाद बॉयल आने में थोड़ा सा वक्त रह गया, तो फिर इसमें हम डालेंगे राइस, इसलिए अभी इनको निकाल लेते हैं। और अभी हम इसका उतार लेंगे छिलका, क्योंकि ये गर्म गर्म है आसानी से उतर देगा छिलका, अगर ठंडे हो गए तो फिर नहीं उतरेगा। उतार लेते हैं इनका छिलका, क्योंकि मुझे तो इसका पता नहीं था, तो अम्मी ने बोला कि ये छिलका उतारने के लिए बेहतर यही तरीका है कि इसको पहले गर्म पानी में गर्म कर लिया जाए तो ये उतर जाएगा छिलका आसानी से। देखें अभी अम्मी उतार रही है, बड़ी आसानी से छिलका उतर रहा है। जी अभी पानी को आ चुके हैं दो तीन बॉयल, तो हम अभी इसके अंदर डालेंगे राइस। और नमक हमने ऑलरेडी डाला हुआ है इसके अंदर, क्योंकि नमक कुछ लोग डालते हैं जब इस वक्त बॉयल आता है तो उस वक्त डालते हैं लोग, लेकिन हमने ऑलरेडी नमक इसके अंदर डाला हुआ है, जब बॉयल आना था हमने डाला हुआ है नमक। ये देखें जो बादाम डाले थे इसके अंदर उस वजह से इसका कलर चेंज हो चुका है, और अभी इसके अंदर जब राइस डाले हैं तो उसका फ्लेवर आपने एक अलग सा फ्लेवर होगा माशाल्लाह। और अभी इसको ऊपर से डांप देंगे बॉयल आने तक, जब बॉयल आता है तो फिर इसको उतारते हैं नीचे। जी चावल हो चुके हैं बॉयल, अब इनको नीचे उतार लेंगे। और एक बर्तन, इस बर्तन को कर लेंगे वाश और इसके अंदर डालेंगे ऑयल, और अपने हस्ब जायका इसके अंदर ऑयल डाला जाएगा, जितना आपको पसंद है उतना ऑयल डालें इसके अंदर। और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर इलायचियाँ डाली जाएंगी जो हमने रखी हुई हैं तीन चार, फ्लेवर वाले फ्लेवर के लिए। ये हमने डाल दिए इसके अंदर, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो चुका है, और इसको जब ये अपना रंगत छोड़ देंगे, अपनी गर्म हो जाएंगे अच्छी तरह रंग भरा छोड़ देंगे इसके अंदर भुन जाएंगे, तो इसके अंदर हम डालेंगे पानी जो हाफ कप से भी कम होगा वो पानी डालेंगे हम इसके अंदर। अभी डालेंगे पानी हाफ कप से भी कम, ये हमने डाल लिया पानी,
और इसको थोड़ा सा करेंगे गरम। जैसे थोड़ा सा गरम होगा तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास शुगर, हम ऐड करेंगे। जैसे 1 गिलास चावल थे वो तकरीबन 1 गिलास ही शुगर इसके अंदर डालेंगे। 1 गिलास से थोड़ी सी कम होगी तो मैं दिखाता हूँ। और ये देखें, ये गिलास हमने लिया था चावलों का, और ये सेम ही गिलास हम चीनी का ले रहे हैं। और इसके अंदर चीनी हम डालेंगे, उससे चावलों से कम होगी चीनी थोड़ी सी, ये ले लेंगे हम। और शुगर डाल लेंगे हम इसके अंदर, और इसको आस्ता आस्ता लाएंगे ताकि नीचे ना लग जाए, जब तक ये शुगर जो है सही तरह मेल्ट नहीं हो जाती इसके अंदर। इसको थोड़ा थोड़ा लाते रहेंगे साथ साथ। अब ये इलायची और शुगर जो है वो मिल के बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, इसका स्मेल बहुत अच्छी आ रही है इसकी, माशाल्लाह। अब ये देखें, इसके अंदर पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है शुगर। अभी इसके अंदर डालेंगे राइस, और राइस को आस्ता आस्ता हिलाएंगे ताकि राइस नीचे न लग जाए, क्योंकि शुगर होती है तो वो जो राइस हैं वो इस तरह जुड़ जाते हैं आपस में। हिलाएंगे उनको थोड़ी अच्छी तरह, और जो आग है उसको थोड़ा सा कर लेंगे कम, उसका फ्लो कम कर लेंगे। ये देखें, आग का फ्लो कम किया अभी थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और डालेंगे कलर। ये डाला हमने येलो, येलो कलर डाला, और अभी डालेंगे ग्रीन, ये ग्रीन हो गया। और अभी हम डालेंगे इसके अंदर रेड, 3 कलर हो जाएंगे इसके अंदर ना भी। रेड कलर हमने मंगवा लिया थोड़ा सा, अभी ये रेड आ गया, तीनों कलर इसके अंदर आ गए। और अभी इसके ऊपर डालेंगे मेवा जात सारे जितने भी रखे हुए थे, जितने मेरे काजू थे उस जितने भी थे सारे इसके ऊपर डाल देंगे। किशमिश, काजू, बादाम सारे थे, हमने सारे इसके ऊपर डाल लिए हैं, बस सारा डाल लेंगे इसके ऊपर सारे। और ये देखें माशा कलर, माशाल्लाह कितना अच्छा आ रहा है इसका ना, देखें बड़ा खूबसूरत लग रहा है इसका। अभी इसके ऊपर रखेंगे गुलाब जामुन, लाए थे हमने माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये ना। ये देखें, दम लगाने के लिए हमने तवा रखा है ऊपर, क्योंकि मम्मी कह रही हैं कि इस तरह तवा ऊपर रखने से जो दम है वो इसके ऊपर रखेंगे, तवे के ऊपर रखेंगे चावलों को दम लगाने के लिए, इससे अच्छा दम आएगा। मैं कह चलें, मैं तो पहले दफ़ा देख रहा हूँ, देखते हैं। अभी चावल रख लेंगे इसके ऊपर दम लगाने के लिए, और दज्जी वगैरह लगा दी हमने, देखते हैं। जो आग है वो थोड़ी सी कम की है नीचे से, आग का फ्लो कम की है, चेक करते हैं किस तरह बनते हैं, किस तरह लगता है ये। दम आ चुका है जी इनको चावलों का, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर डालेंगे सर्व करने के लिए। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ अपने दुआओं में याद रखें, अपने घर के इर्द गिर्द नज़दीक
जितने हमसाए हैं उनका भी ख्याल रखें, देखें किसी ने एक और का खाना खाया कि नहीं खाया, सबका ख्याल रखें और सबको दुआ में याद रखें प्लीज़। ये आपका फ़र्ज़ है और हमारा सबका फ़र्ज़ है ये। और ये रेसिपी कैसी लगी आपको ये भी मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपने दुआ में याद रखें।